कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, सीजीपीसी 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने टॉप एमसीक्यू की श्रृंखला स्टार्ट की है। उसके अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के जनजाति में मेरा 9वां लेक्चर है। ठीक है, आज का टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जितने भी लोक वाद्य यंत्र हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे पास आभूषण हैं, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उन पे आज अपन बात करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ना बेटा, जो हमारा एमसीक्यू रहेगा वो वाद्य यंत्र पे बेस्ड रहेगा और उसके बाद अपन बात करेंगे आभूषण पर। ठीक है ना, चलो भाई पहले अपन कुछ चीजें समझ लेते हैं वाद्य यंत्र के बारे में। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं वाद्य यंत्र के बारे में, तो वाद्य यंत्र को ना हम उनके बनावट के आधार पर, उनके उपयोग के आधार पर चार अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहला अगर बात करेंगे वाद्य यंत्र का, तो वाद्य यंत्र को उनके बनावट के आधार पर, उनके उपयोग के आधार पर अपन कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? चार महत्वपूर्ण भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला अगर देखा जाए सुशीर वाद्य यंत्र, पहला हमारे पास आता है सुशीर वाद्य यंत्र, दूसरा है घन वाद्य यंत्र, तीसरा है तत् वाद्य यंत्र और चौथा है वितत वाद्य यंत्र। ठीक है, वितत वाद्य यंत्र आया समझ में? तो देख लो, एक है सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र और वितत वाद्य यंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद कर लो, वाद्य यंत्र ने बेटा प्रमुख रूप से चार भाग में बांटा गया है, सुशीर है, घन है, तत् है, वितत है। परिभाषा देखते हैं, अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ध्यान देना, सुशीर वाद्य यंत्र ऐसा वाद्य यंत्र जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाए, याद रहेगा, ऐसा वाद्य यंत्र जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाए उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, याद रहेगा। जैसे बांसुरी है, मोहरी है, ये सब क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल और भी बताऊंगा। घन वाद्य यंत्र ध्यान देना, ये धातु का बना रहेगा, इसको अपन क्या करते हैं, लकड़ी से या फिर हाथ से आघात देकर बजाते हैं, याद रहेगा, धातु का बना रहेगा। जैसे घंटी है, ठीक है, घंटा है, याद रहेगा, जैसे मंदिर की घंटी है बेटा, तो याद रखना वो किसका एग्जाम्पल है, घन वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, फिर बात करते हैं तत् है और एक हमारे पास वितत है। तत् वाद्य यंत्र याद रखना तार से बनाए जाते हैं, याद रहेगा। जैसे इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं, धनकुल वाद्य यंत्र, वो अपने आप में तत् वाद्य यंत्र है। ठीक है, उसके अलावा वितत याद रखना, ये अपने आप में अंदर से खोखला होता है। ठीक है, और इसके अगर देखा जाए इसके बाहरी सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, चमड़े का लेयर लगा देते हैं। जैसे अगर देखा जाए ढोल हो गया, नंगाड़ा हो गया, ढोलक हो गया, ये सब ना बेटा वितत वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलो ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास कौन सा है, चलो तत् वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तत् वाद्य याद रखना, इसमें तार का उपयोग करते हैं, बताया था मैंने, तार से बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, जो हमारे पास तत् वाद्य यंत्र इसमें क्या क्या आता है और पहचानने के लिए अपन प्रश्न देखेंगे भाई। सबसे पहला धनकुल है, किकरी है, किरगिज है, किन रेरी है, उसके अलावा राम बाजा है, तंबूरा है, एक तारा है, चिकारा है, सारंगी, तोहेली, डुम्भीर, कुंजाड़ और डुसीर। याद रखना बेटा, ये सभी तत्वाद्य यंत्र है और तत्वाद्य यंत्र में तार का उपयोग किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। पहचानने के लिए प्रश्न आता है कि यह वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, पहचानने के लिए प्रश्न आएगा। बराबर यहां तक, ये तत् है कि वितत है कि सुशीर है कि घन वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, उसके अलावा अगर बात करो कि वितत वाद्य यंत्र, जो वितत वाद्य यंत्र है उसको अपन कहते हैं औनद्य वाद्य यंत्र। याद रखना बेटा, मैंने बोला था ये अंदर से खोखला होगा और ऊपर से अपन क्या करते हैं, इसमें चमड़े का लेयर लगा देते हैं, चमड़े से मढ़ देते हैं। बराबर ना, यहां तक क्लियर है यहां तक? और इसको भी अपन आघात देके बजाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो मैंने बोला था ढोल अर्थात मांदर, जो बिरजिया ढोल है, ये अपने आप में वितत वाद्य यंत्र है। मृदंग है,
नंगाड़ा है, तासा है, गोगा है, उसके अलावा मांदर ढोल है, हुलकी मांदरी है, खुंड मांदरी है, रायगड़ी है, परसंग ढोल है, ढोलक, तुड़बुड़ी, खंजीरी, गुदुम, दफड़ा, टिमकी, ये सब क्या है? मुंडा बाजा के साथ वितत वाद्य यंत्र है, जिस जो अंदर से खोखला होगा और ऊपरी सरफेस पे अपन क्या करते हैं, चमड़े का लेयर लगाते हैं और आघात देके क्या करते हैं, बजाते हैं। ये हमारे पास वितत यंत्र हो गया। उसके अलावा अगर देखा जाए जो घन वाद्य यंत्र है, मैंने बोला था ये धातु का बना रहेगा, ठीक है, और इस पर अपन क्या करते हैं, परस्पर आघात देके बजाते हैं, याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका घन वाद्य यंत्र का घंटा है, घंटी है, घुंगरू है, मंजीरा है, मुयांग है, करतार है, झांझ है, चिटकुल, झाब, पिटकुरा, रुड्रा, घुलघुला, तिरुड्डी और दुड़का, ये सभी हमारे पास क्या है, तो क्या बताओगे, घन वाद्य यंत्र बेटा, याद रहेगा, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करेंगे इस पे सुशीर वाद्य यंत्र, तो ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है, मैंने बोला था इसको अपन क्या करते हैं, मुंह से फूंक कर बजाते हैं जी, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो सुशीर वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल में देखना, हमारे पास मोहरी है, मोहरी के साथ साथ तोड़ी है, अकुम है, बांसुरी, सुलुड है, नेफरी है, करनाल, बिरगाहली, बावनसी, शंख है, अलगोजा है और बीन सूरी, ये सभी क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र के क्या है एग्जाम्पल बेटा। बीन जा, बीन तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है, तो ये आता था, ये हमारे पास है वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न में आते हैं और प्रश्न का समझने का प्रयास करते हैं, क्लियर हुआ यहां तक, इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर एक, आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या होता है। अभी मैंने बताया है, याद रहेगा, धनकुल अपने आप में एक वाद्य यंत्र है, और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ध्यान देना, जो धनकुल है वो तत्वाद्य यंत्र है, अर्थात इसमें तार का उपयोग किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा तार का, और ध्यान देना जो हमारे पास धनकुल वाद्य यंत्र है, ये चार चीजों से मिलकर बना होता है, एक है धनुष, दूसरा हमारे पास कौन सा है, सूपा, तीसरा है हंडा या फिर घड़ा, हंडा ही लिख देते हैं, और अगला है बांस की खपच्ची, बांस की खपच्ची, इससे मिलकर बना होता है धनकुल वाद्य यंत्र, और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्व। तो बताइए बेटा, जो प्रश्न नंबर एक है उसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी आप लोग खुद बताइए। मैंने बोला धनकुल अपने आप में वाद्य यंत्र है, तो प्रश्न नंबर एक का उत्तर क्या होगा, आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर, चिकारा क्या है जी, बताइए चिकारा क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चिकारा क्या है, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ बेटा चिकारा क्या है, हाँ भाई जल्दी बताइए, जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबके सब बताइए भाई चिकारा क्या है, फटाफट, ठीक है, क्या बताओगे, चिकारा भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, क्या है, वाद्य यंत्र है, कमेंट करके बताइए चिकारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, आप लोग बताओगे, ठीक है, मैंने अभी बताया था उसका, क्लियर है यहां तक, देखो चिकारा भी अपने इस प्रकार के, या तो पूछेगा क्या है, दूसरा पूछेगा किस प्रकार का वाद्य यंत्र, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस तरीके के प्रश्न आते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो के बाद, क्वेश्चन नंबर तीन की ओर अपन रुक करते हैं, देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, बस्तर का बिरजिया ढोल मांदर क्या है, याद रहेगा, तो ध्यान रहे आपको पता होगा बिरजिया ढोल है, ढोल, ढोल का मतलब आपने देखा होगा अंदर से खोखला होगा, अंदर से क्या होगा, खोखला होगा, खोखला इसका मतलब उसके बाहरी सरफेस पे क्या होगा, चमड़े का लेयर रहेगा, क्या रहेगा, चमड़े का लेयर, इसका मतलब इसको अपन आघात देके बजाएंगे, खोखला है, चमड़ा है, इसका ये मतलब है इसके दो सरफेस होंगे, वितत वाद्य यंत्र होगा, याद रखना वितत वाद्य यंत्र के कितने सरफेस होते हैं, दो, एक मुहा दो मुहा, ढोल है तो एक मुहा, ढोलक है तो दो मुहा, बराबर, ध्यान में ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा, वितत, ठीक है, और वितत को अपन और क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था औनद्य वाद्य यंत्र, क्या बोलते हैं इसको अपन, औनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। तो बताइए जो प्रश्न नंबर तीन है इसका उत्तर क्या होगा बेटा, सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, क्या बताओगे, सी, विरजिया ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जी, तो क्या बताओगे, समझ में आया यहां तक, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर चलते हैं, छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग होता है, बराबर, बताओ फाग गीत बेटा, होली,
अब होली में क्या होता है, फाग गीत गाते हैं, डांस भी करते हैं बड़े उल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ। तो इसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि होली के समय जो फाग गीत अपन गाते हैं उसमें किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, जल्दी बताइए। ध्यान दे बेटा, होली सोचना ही नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा, नंगाड़ा। नंगाड़ा के थाप पर अगर देखा जाए डांस किया जाता है, और ध्यान में नंगाड़ा अपने आप में किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो याद रखोगे जो नंगाड़ा है वो अपने आप में वितत वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वितत वाद्य यंत्र है। कौन हमारे पास, नंगाड़ा, ठीक है जी। तो नंगाड़ा का विशेष रूप से मतलब किस पे, होली पर्व फाग गीत के समय, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं, बताइए कमेंट करके। आप लोग बताइए, अभी पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है कि अकुम और तोड़ी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, जल्दी बताइए जी फटाफट, ठीक है। बताओ तो अकुम और तोड़ी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, जल्दी बताइए, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो ध्यान मैंने बोला अकुम, अपने अकुम को ही अपन तोड़ी कहते हैं, आया जी समझ में। उदाहरण बना, जो हमारे पास एक डांस है उस डांस का नाम क्या है, ककसार डांस। ककसार जो नृत्य है ये प्रमुख रूप से मोरिया आदिवासियों में क्या है, प्रचलित है। ककसार नृत्य किस आदिवासी में प्रचलित है, मोरिया आदिवासी में। और ध्यान देना, जो यात्रा पर्व इस समय यह नृत्य किया जाता है, और उस समय जो वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र का नाम क्या होता है, अकुम, ठीक है। अकुम क्लियर है, यहां तक समझ में आया, अकुम या फिर तोड़ी, इतना क्लियर है। ये जो वाद्य यंत्र है आपने देखा होगा जी, इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई वाद्य यंत्र देखा, इसको अपन डिजाइन कर देते हैं ऐसा ऐसा, देखा, यही अपने आप में क्या है, अकुम वाद्य यंत्र है। तो ध्यान देना, ये अपने आप में अगर देखा जाए, इसको मुंह से फूके बजाते हैं, अगर मुंह से फूके बजाएंगे मतलब कौन सा वाद्य यंत्र होगा, सुशीर। देखो आपसे में सुशीर है क्या, बिल्कुल, घन तो नहीं होगा, तंतु भी नहीं होगा, क्या होगा, सुशीर वाद्य यंत्र। इसलिए जो प्रश्न नंबर 5 है उसका उत्तर क्या मिलेगा, आपको सी मिलेगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। इसलिए एग्जाम्पल को याद रखना है, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम याद रखना, जब माता दंतेश्वरी की आराधना होती है, आरती होती है, उसमें 3 प्रकार के वाद्य यंत्र, ठीक है, का उपयोग किया जाता है, याद रहेगा। उसके लिए भी आपको याद रखना बेटा, KBN को याद करना है। दंतेश्वरी मंदिर में ये 3 प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है आरती के समय, माता की आराधना के समय, ठीक है ना। KBN में K का मतलब क्या होगा, करनाल, K का मतलब क्या होगा, करनाल को याद करना। B का मतलब होगा बिरका हली, B का मतलब क्या होगा, बिरका हली। और C का मतलब क्या होगा, नेफरी, क्या होगा बेटा, तो क्या बताओगे, नेफरी होगा, आया समझ में। देख लो ये 3 चीज जो है वो दंतेश्वरी माता के आराधना के दौरान उपयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो देख लो कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, देखो तो नेफरी है, करनाल है, बिरका हली है, इसका ये मतलब है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर B मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर B मिलेगा, ठीक है, यहां तक इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। और पहले बेटा आप लोग प्रश्न पढ़ो तो चलो, तो अच्छे से प्रश्न अच्छे से पढ़ो, फिर आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताइए भाई प्रश्न हमारे पास क्या है, क्लियर है, हाँ जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताइए। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वादक संगीतकार अनुसूचित जाति, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब नहीं बोला, शेड्यूल कास्ट बोला है, ट्राइब बोलता तो प्रधान होता, प्रधान बताया था ना कि प्रधान जनजाति गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बारे में बोला है, तो याद रखिएगा। ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत कौन सी जाति है जो वादक के रूप में प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गाड़ा, याद रहेगा कौन सा हमारे पास, गाड़ा याद रहेगा, ये चमड़े से जुड़े व्यवसाय का काम करती है, बराबर। इसका परंपरागत अगर व्यवसाय देखा जाए तो देखा होगा आपने बेटा, ये चमड़ा, ठीक है, इनसे संबंधित व्यवसाय में जुड़े रहते हैं लोग, क्लियर है, जो गाड़ा समुदाय के जो लोग हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। इस राज्य का पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंगा का सिंग लगा होता है, उसका नाम क्या है, जल्दी बताइए। पीट पीट कर बजाते हैं का मतलब आघात देके बजाते हैं, आघात देके बजाते हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, वितत वाद्य यंत्र होगा, समझना है, वितत वाद्य यंत्र है, ठीक है यहां तक,
ध्यान देना, अब उसमें 12 सिंगल का भी का क्या होता है, उसमें सिंग लगा रहता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, ध्यान देना इसका उत्तर, बताइए भाई कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए भाई। तो ध्यान देना इसका उत्तर आपको मिलेगा गुदुम बाजा, क्या मिलेगा गुदुम, ठीक है यहां तक ध्यान रखो, हमारे पास गुदुम बाजा है वो गड़बा बाजा का ही एक भाग है, और ध्यान देना गड़बा बाजा में अगर देखा जाए, जो हमारे पास गड़बा बाजा है, गड़बा बाजा के अंदर का जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता है, गुदुम बाजा आता है, कौन सा आता है, गुदुम बाजा। ध्यान में सबसे पहले याद है जो हमारे पास गुदुम है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वितत वाद्य यंत्र है बेटा, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, वितत वाद्य यंत्र है, आया समझ में। ये है प्रश्न नंबर 8 का उत्तर जो आपको याद रखना है, 8वें का उत्तर क्या है, सी है, क्लियर है यहां तक, इस बात को याद रखना है, ठीक है देख लो, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, पढ़िए प्रश्न। मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है, मोहरिया जल्दी बताओ भाई, मोहरिया जल्दी बताओ, तो 9वें का उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए भाई, ठीक है मोहरी, मोहरी अगर देखा जाए, मोहरी सबको पता होगा, मोहरी के देखो मोहरी है, मोहरी को फूंक के बजाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो देखो नंगाड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तो इसको पर क्या, कि मैंने क्या बोला भाई, फूंक के बजाएंगे तो नंगाड़ा तो बजा ही नहीं सकते, पहला चीज क्लियर है। तुरबुड़ी, तुरबुड़ी को भी नहीं बजा सकते, ठीक है मुंह से फूंक के तो नहीं बजा सकते, बचा बांसुरी और सहनाई है, दोनों को बजाते हैं, लेकिन बात हो रही है मोहरी, तो बेटा मोहरी ना एक प्रकार से सहनाई के जैसे, याद रहेगा सहनाई, क्लियर है। तो ध्यान देना मुरिया समाज में जो सहनाई जो लोग बजाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मोहरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मोहरिया, मतलब जो लोग सहनाई बजाएंगे कहां पे, मुरिया आदिवासी में, उन व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं, मोहरिया कहते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर जो 9 है इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा बेटा, डी मिलेगा। आ रहा है समझ में बेटा, कुछ भी वाद्य यंत्र से संबंधित डाउट होगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, अपन शनिवार को मिल रहे हैं डाउट क्लास पे, जिन बच्चों को कोई भी समस्या होगा प्लीज बताइएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 के बाद अगर देखा जाए अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस पे चलते हैं 10, अब आते हैं आभूषण पे, ठीक है, अब किस पे आते हैं, आभूषण वाले टॉपिक पे आते हैं। और देखो आभूषण अगर देखा जाए, जो महिलाएं हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में क्या करती है, उपयोग करती है या फिर धारण करती है, जैसे सिर पे देखा जाए, फोरहेड पे देखा जाए, मांग पे, गले में, बाजू पे, ठीक है याद रहेगा, हाथ पे, कलाई पे, कमर पे, पैर पे, ठीक है नाक में, ठीक है यहां तक बहुत सारे हमारे पास जो भाग है शरीर के, वहां पे लोग क्या करते हैं, आभूषण धारण करते हैं। तो हमें पहचानना है, प्रश्न पूछेगा कि ये जो आभूषण है शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, शरीर के किस भाग में पहना जाता है, इतना ही पूछेगा। और यकीन मानो एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो आभूषण है वो विशेष पर्व के दौरान ही पहना जाता है, याद रहेगा। तो दो प्रश्न आ सकता है, आभूषण कहां पर पहना जाता है और उस आभूषण को किस पर्व के दौरान विशेष रूप से पहना जाता है, बराबर याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, देखो प्रश्न क्या है, ध्यान देना, माघ मोती और पटिया दिख रहा है सबको, माघ मोती और जो पटिया है वो कहां पहना जाता है, याद रहेगा। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है मांग, कभी कभी नाम से ही प्रश्न बन जाते हैं, मांग मतलब समझ में आता है जी, सिर वाले पोर्शन भी रहेगा ना, तो ध्यान देना गला में पहनेंगे क्या, नहीं, पैर में क्यों पहनेंगे अगर मांग की बात हो रही है, बराबर यहां तक ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए कमर, तो ध्यान देना इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, बताओ बेटा क्या मिलेगा, हाँ भाई बताइए, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा सी मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा सी, समझ में आया। तो प्रश्न नंबर 10 है, इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा सी, ये सिर में पहना जाता है माघ मोती और पटिया, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है आभूषण को विशेष रूप से सिर पे हो गया, कान पे हो गया, नाक पे हो गया, गला पे हो गया, बाजू पे हो गया, कलाई पे हो गया, पैर पे हो गया, कमर पे हो गया, ठीक है। और बाल पे भी देख लेना भाई, कौन कौन से अपन आभूषण पहनते हैं, ठीक है यहां पर इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर रुख करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। खिनवा, देखो बेटा ये खिनवा है, खेनवा नहीं है, खिनवा है तो उसका भाग अलग रहेगा, खेनवा है तो अलग जगह पहना जाता है, ठीक है ना, बताइए खिनवा, खिनवा अपने आप में इयररिंग्स
है जी, इयररिंग्स, इयररिंग्स है तो नाक में पहनेंगे क्या, एक कान में पहनेंगे कि उंगली में पहनेंगे कि गला में पहनेंगे, बताइए भाई कहां पहना जाता है, खिनवा, ठीक है ना, बताइए। तो ध्यान रखिए हमारे पास खिनवा है बेटा, नाम से स्पष्ट है, ये कान में पहना जाता है, कहां पे पहना जाता है, कान में। इसके अलावा झुमका हो गया, ये भी कहां पहना जाता है, कान में पहना जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th का उत्तर, जिसका ऑप्शन क्या मिला आपको, बी मिला, ठीक है, इसको याद रखना। उसके अलावा अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 बात करोगे लुरकी किसे कहते हैं जी, लुरकी क्या है, लुरकी अपने आप में लुढ़क जाने वाली क्रिया है क्या, नहीं। लुरकी दुबली पतली लड़की को बोलते हैं क्या, नहीं। लौकी को बोलते हैं क्या, तुम्हारा को, नहीं। तो क्या बचा, लुरकी अपने आप में क्या बेटा, आभूषण है, क्या है, आभूषण। इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, लुरकी क्या है, तो क्या बताओगे बेटा, आभूषण है, समझ में आया ना, इसको प्लीज याद रखना। इसके अलावा अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगला हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, इसमें आते हैं 13, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में आभूषण सुतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं, इसका उत्तर आप लोग बताओगे, कमेंट करके बताओ बेटा, सुतिया देखा होगा आपने, याद रहेगा सुतिया जो है वो कहां पर पहना जाता है, मैं डायग्राम बता देता हूं, ठीक है, सुतिया कहां पर पहना जाता है, क्लियर है यहां तक, बताइए भाई कमेंट करके, हाँ भाई वेरी गुड, कहां पे पहना जाता है, गले में पहना जाता है, कहां पे पहना जाता है क्या बताओगे, गले में पहना जाता है हमारे पास सुतिया, क्लियर है, इसको प्लीज याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं, पहुंची कौन कहां पहुंचा ये नहीं पूछ रहा है, पहुंची अपने आप में क्या है, एक अपने पास आभूषण है और इसको शरीर के किस अंग में पहना जाता है, पहुंची याद रहेगा, ये पीएससी में आ चुका है, कलाई में पहनते हैं, बाह में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं कि पैर में पहनते हैं, बराबर ना, जल्दी बताइए भाई पहुंची कहां पहना जाता है, याद रहेगा, देख लो अच्छे से, जल्दी बताइए, कलाई में पहनते हैं क्या कि बाह में पहनते हैं, तो ध्यान देना इसको उत्तर को मिलेगा बी मिलेगा, ध्यान देना जो पहुंची है वो शरीर के बाह अंग में पहना जाता है, बाह में पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है, क्लियर है यहां तक, इसको याद रखिएगा पहुंची, समझ में आया ना, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए अपन चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, 15 की ओर चलते हैं और उसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बहुटा, बहुटा क्या है जी, तो ध्यान देना जो बहुटा है बहु के आभूषण है कि बाहुबल है कि बाह में पहनने वाला आभूषण है, कि बहुटा का मतलब बाहरी होता है, याद रहेगा, जल्दी बताइए कमेंट करके, बहुटा अपने आप में क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान में जो हमारे पास बहुटा की अगर बात करोगे तो ध्यान में ये है बाह में बाजू में पहनने वाला आभूषण, क्या है बहुटा अपने आप में, आभूषण है, याद रहेगा, जिसको अपन आम में अर्थात बाजू में या फिर बाह में पहनते हैं, ठीक है बेटा, इसको प्लीज याद रखिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15, इसका ऑप्शन आपको क्या मिला तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको मिलेगा क्या मिलेगा, तो याद रखोगे सी मिलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कमर में पहना जाता है, याद रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कमर में पहना जाता है, ठीक है। लुरकी पहनते हैं क्या कि करधन को पहनते हैं कि खिनवा को पहनते हैं, पहुंची, अभी पहुंची बताया था बाह में पहनते हैं, खिनवा कान में पहनते हैं, लुरकी वाद्य यंत्र था, ठीक है, और करधन, करधन कहां पे पहनते हैं बेटा, तो याद रखना ये जो वाद्य यंत्र है, सॉरी वाद्य यंत्र बोलता हूं, सॉरी लुरकी आभूषण, और जो करधन है, करधन को कहां पे पहनते हैं, तो क्या बताओगे बेटा, कमर पे, ठीक है, कहां पहनते हैं, क्या बताओगे, कमर पे पहनते हैं, बराबर यहां तक। तो ध्यान देना जो प्रश्न नंबर 16 है, जो 16 है, इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, करधन, करधन को कहां पे पहनते हैं बेटा, कमर पे, आया समझना, ठीक है। अब एक प्रश्न का उत्तर बता दो, जो अल्पा पैरी के धार महानदी के लीला है अपारी, जो राजकीय गीत है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, इसमें कमर किसको बोला गया है, ठीक है, याद रहेगा, जल्दी बताइए किन जिलों को कहा गया है, कमेंट करके बताइए बेटा आप, जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका उत्तर, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला क्या कहलाती है, देखो बेटा अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में गाय के गले में जो हमारे पास जो मवेशी होते हैं उनके गले में मोर पंख से बना हुआ या पलाश से बना हुआ अपन एक माला पहनाते हैं, मैं बता दूं ये जो माला है ये विशेष रूप से गोवर्धन पूजा,
साथ ही साथ मातर पूजा से लेकर के जो हमारे पास जेठौनी है जिसको अपन देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं या फिर तुलसी विवाह तक कहते हैं, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और गांव में जितने भी मवेशी हैं, जितनी भी गाय हैं, उनको अपन क्या करते हैं, पहनाते हैं। कौन पहनाता है? धर्म में जो राउत जाति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, राउत या फिर जो हमारे पास जो ठेठवाड़ जाति के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, पहनाते हैं। और याद रखना उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, तो ध्यान देना, सोहई कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहई कहते हैं। याद रखे तो सोहई मयूर पंख एवं पलाश, ठीक है, के छिलके से बनाया जाता है, ये हमारे पास सोहई है। सोहई अगर देखा जाए तो जो जानवर है उसे गले में ही पहनाया जाता है, ठीक है। कब पहनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, गोवर्धन पूजा के दिन जो राउत नाचा करते हैं, राउत नाचा करते हुए जो हमारे पास गाय है, जो मवेशी है, उनको अपन क्या करते हैं, सोहई बांधते हैं। समझ में आया? अभी दिवाली के दौरान आप देखोगे इसको, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अगला पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, 18 पे आते हैं। और पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इस राज्य की परंपरागत गहना का मतलब हो जाएगा आभूषण को पांव से सिर के क्रम में बतलाइए। याद रहेगा क्रम से, पांव से नीचे से ऊपर में जाना है। याद रहेगा किसमें जाना है, नीचे से ऊपर में, पांव से सिर के क्रम पे क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देखो भाई ध्यान से देखो इसको, उत्तर क्या जल्दी बताइए, ठीक है जी। सबसे पहला याद रखना बेटा पांव, तो ध्यान देना तोड़ा पैर में पहनेंगे अपन। याद रहेगा पहला क्या हो जाएगा, तोड़ा, तोड़ा से शुरू करो तो देखो ये तो ऐसे ही बन गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। याद रहेगा तो ध्यान में, जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, तो ध्यान देना इसका उत्तर जो हमारे पास है वो आपको मिलेगा ए, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। बराबर यहां तक इसका ये मतलब है, पहले तोड़ा होगा, तोड़ा के बाद कोकनी होगा, उसके बाद सूर्य होगा, उसके बाद पटिया होगा, ठीक है यहां तक। तो ध्यान में ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका संबंध वाद्य यंत्र और आभूषण से था, क्लियर है। आज का हमारे पास टॉपिक था बेटा, याद रखना क्या था, ध्यान से देखो, आज मैंने स्टार्ट किया था लोक वाद्य यंत्र और आभूषण। तो ध्यान में इससे महत्वपूर्ण जितने भी एमसीक्यू है मैंने कराए हैं, और मैं सभी बच्चों से एक प्रकार से रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया, जैसे लोक वाद्य यंत्र में ये देखो, पहले तो बेटा इनकी परिभाषा देखना कि वाद्य यंत्र क्या है, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं, उनकी परिभाषा भाई सुशीर है, सुशीर को तब जानोगे, पहले परिभाषा देख लो कि मुंह से फूके बजाते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखिएगा, अब जैसे मैंने बोला बांसुरी, बांसुरी आपने देखा है कि भाई मुंह से फूके बजाते हैं, और आपको ये पता है जिस वाद्य यंत्र को अपन मुंह से फूके बजाते हैं उसको क्या कहते हैं, सुशीर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के बेसिस पे आपका प्रश्न बन जाएगा ना जी, इसी को देख, जैसे घंटी धातु का बना है, आपस में परस्पर स्पर्श करते हैं तब वो क्या करता है, उसका आवाज आता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, घन वाद्य यंत्र बोलेंगे। जो तार का बना रहेगा, जैसे धनकुल है, गिटार है, ये सब क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। वितर जो अंदर से खोखला होगा, बाहर में अपन चमड़े का लेयर लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, हाथ से या फिर लकड़ी से स्ट्राइक करते हैं, आघात करते हैं और बजाते हैं, तो वितर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। ये तो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक था। आभूषण में शरीर में ऊपर से नीचे तक जो भी शरीर के भाग है, तो जहां जहां जिस भाग पे जो जो आभूषण पहने जाते हैं उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ध्यान में बेटा ये था हमारे पास छत्तीसगढ़ की जनजाति का 9वां लेक्चर। कल का जो क्लास होगा वो पूरा का पूरा कल्चर का लास्ट क्लास होगा, लास्ट लेक्चर होगा, जिसपे मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन मिलेंगे शनिवार को। तो जिन भी बच्चों को मेरे इस क्लास से, अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी समस्या होगा, थोड़ा भी डाउट होगा, तो प्लीज आप शनिवार को मिलिए शाम को 8 बजे पर। अपन फिर अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगा, ठीक है, क्लास को यहीं विराम करते हैं, कल पूरी ऊर्जा के साथ नया अपन क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।